हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज है करवा चौथ, तो मेरी ओर से आप सभी लेडी को हैप्पी करवा चौथ। और बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे आमने सामने वीडियो बनाया है, और मैं दो बार वीडियो बनाने के लिए सोच चुकी हूँ। इस लड़के ने बहुत परेशान करके रखा है, तो जस्ट मैं अभी नहाकर पूजा वगैरह करके आई हूँ, और अभी मुझे जाने हैं कपड़े डालने। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना, तो मैंने सोचा इस वीडियो की शुरुआत तो कर ही देती हूँ। तो बने रहिएगा आप वीडियो पे, मैं जो भी आगे करूँगी वो मैं सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, छत पे पहले मैं कपड़े वगैरह डाल आई थी कि सूख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आके सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और एक साइड मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था कि पहले दूध बॉयल हो जाए तो मैं खीर बना लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। और साथ ही साथ हम लोग पूजे में, मतलब जो पूजा होती है करवा चौथ की, उसमें मैंने ये गुलगुले वगैरह भी चढ़ते हैं, तो मैं गुलगुले बना रही थी। बाकी जाके पता नहीं मुझे क्या बोलते, पर हमारे यहाँ गुलगुले ही बनते हैं। और यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह पीस रही थी, क्योंकि मैं बिन प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनानी थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, और सब्ज़ी में मतलब खाने पर मैंने सब्ज़ी पूड़ी और खीर ही बस बनाई थी। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि 7 बजे से पूजा होनी थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैं फटाफट रेडी होने के बाद दीदी को बोली थी आटे का दिया बनाने के लिए, आटे का दिया क्योंकि बोलते हैं रखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, तो जाने के लिए हम यहाँ पर बैठे थे। तो दीदी बना रही थी आटे का दिया, पर उनका मतलब जो उनने बनाया था बहुत बड़ा बना दिया था, तो मैंने बोला दे दो आटे ही, मैं लिए जा रही हूँ, मैं वहीं पे बनवा लूँगी, क्योंकि बन नहीं रहा था, मेरे से भी नहीं बनता था। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि ये बन जाए आटे का दिया, पर मुझसे बन नहीं रहा था, तो मैं आटा ही ले गई थी। फिर मंदिर में मैंने एक दीदी से बनवा लिया था कि मुझसे बन नहीं रहा था इस वजह से। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे सभी लोग पूजा, और डुग्गू भी साथ ही में गया था मेरे, और मुझे इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। वैसे तो ये बहुत परेशान करता है, पर इसने मुझे आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इसको प्यास लगी थी तो ये मुझे आके बता रहा था, तो मैंने बोला जाओ बुआ से मांग लेना। और ये हैं वो माता जी जिनके मंदिर में हम लोग हमेशा ही आते हैं पूजा करने। तो बहुत ही सुंदर माता जी थी, तो मैंने मिनी से बोल दिया था कि यहाँ की भी एक क्लिप ले ले। और उसके बाद ये मंदिर, और ये नवरात्रि के समय से सजा हुआ है। नवरात्रि पर मैं यहाँ पर आई ही नहीं थी एक्चुअली, तब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। अभी फिर भी दिवाली के कारण लाइटिंग लगी हुई है। और यहाँ पर हम दे रहे थे चंद्रमा को अर्घ, बहुत से लोग यहीं दे रहे थे, मतलब बहुत से नहीं, मतलब बहुत सारे लोग, सभी एक दो ही लोग होंगे जो घर चले गए थे जल्दी के कारण, बाकी सब लोग यहीं पर अर्घ दे रहे थे। और मुझे थी जल्दी, इस वजह से मैं वहाँ अर्घ दे के आ गई थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी घर, तो घर पे जो भी पूजा करते हैं, जो सीख होती है वो, और गुलगुले ले के मतलब कुछ बोल के पीछे फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही सब चीज़ें पूजा कर रही थी, और उसके बाद चांद को देखना, हस्बैंड की पूजा करना वो वगैरह, क्योंकि अर्घ तो मैं मंदिर में ही दे आई थी, तो इनको टीका वगैरह लगाना। उसके बाद यहाँ पे मैंने
अपने हस्बैंड को देखा, और पूरा दिन व्रत रहने के बाद यहाँ पे जो सुकून मिलता है वो पूछिएगा मत। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी हंसो, वो हंस नहीं रहे थे बिल्कुल भी। और ये वीडियो ना फ्रेंड्स थोड़ा सा लेट हो गया, एक दो दिन बाद ही आएगा क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैंने जो भी होता है मतलब पानी वगैरह पिलाना, उसके बाद नहीं पानी मैंने बाद में पिया, एक्चुअली मैंने पूजा वगैरह करने के बाद हस्बैंड की मैंने पैर वगैरह छुए उसके बाद मैंने पानी पिया, और मैं पैर नॉर्मल पड़ रही थी तो मेरा बेटा बोल रहा था कि नहीं सिर रख के पढ़ो सिर रख के, तो मैंने सिर रख के पढ़ा। उसके बाद हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया और मैं अपनी ननंद से बोल रही थी कि प्लीज़ दीदी फ़ोटो खींचते चलो क्योंकि फ़ोटो तो कंपलसरी। और ये जो स्ट्रीट लाइट लगी हमारे घर के बाहर उसके कारण से हस्बैंड का चेहरा क्लियर दिख ही नहीं रहा था। बहुत बढ़िया मिठाई की खीर खिलाओ, बहुत बढ़िया बेटा। खुश रहो मेरा बेटा राजा।